तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको जो वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही यूजफुल फीचर बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही काम का फीचर बताने वाला हूँ, जो कि डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। हर कोई इस फीचर को यूज करता है। जैसा कि आपके पास भी सैमसंग गैलेक्सी है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली होगा ही। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में जो कैमरे के अंदर जो वाटरमार्क होता है ना, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कैसे अपने मोबाइल में आप वाटरमार्क लगा सकते हैं, वाटरमार्क में डेट लगा सकते हैं, वाटरमार्क में अपना नाम लिख सकते हैं, या वाटरमार्क को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ फुल ऑन। आज की वीडियो सिर्फ वाटरमार्क के ऊपर है। आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही ईजिली फीचर है, आप इजीली कर सकते हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग इसको नहीं यूज़ कर पाते, इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैमरा के वाटरमार्क के बारे में। तो अगर मान लो अभी मैं कैमरा को यहाँ पर ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर कोई भी फोटो को क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर फोटो को क्लिक करा, और यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन फोटो को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी वाटरमार्क नहीं दिख रहा है आपको, एक भी वाटरमार्क यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर आपको यहाँ पर वाटरमार्क लगाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा वाटरमार्क का ऑप्शन, आपको यहाँ पर चले जाना है। ये सभी सैमसंग गैलेक्सी में मिल जाएगा आपको। हो सकता है किसी में कुछ फीचर ना मिले, जैसे कि मेरे पास सैमसंग A30s है, उसमें वहाँ पर कस्टम लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, बट सैमसंग A52s में कस्टम वाला ऑप्शन भी मिल रहा है। हो सकता है आपके पास ये ना मिले, आपको यहाँ से उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आएगा, आप चाहे यहाँ पर अपना कस्टमर लगा सकते कस्टम लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कस्टम लगा लिया और मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैंने यहाँ पर एक और यहाँ पर अपनी फ़ोटो क्लिक करी और फ़ोटो को ओपन करी। अब जैसे ही मैं इस फ़ोटो को ओपन करूँगा तो वहाँ पर आप देखेंगे मेरा यहाँ पर कस्टम वाला ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे कि ऐसे टैग वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे टैग आपको दिख रहा है कस्टम से लगाया हुआ। यहाँ पर अगर और वापस जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे वाटरमार्क में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल तक चेंज कर सकते हैं। रोबोट, जैसे अब मैंने यहाँ पर रोबोट लगा दिया, नेट व्यू लगा दिया, जो भी आपको लगाना हो वो आप यहाँ पर सेट आउट कर लीजिए। किस जगह पर चाहिए आपको, बीच में चाहिए, साइड में चाहिए, जहाँ भी आपको चाहिए जिस जगह, वो वहाँ पर सेट आउट कर लीजिए। साथ में अगर आपको डेट एंड टाइम लगाना है तो यहाँ पर डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे भी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं दोनों आ चुके हैं, और यहाँ पर अब आपको बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद जब आप फोटो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब वहाँ पर आपको डेट एंड टाइम सब चीज़ें वहाँ पर आपको दिख रही होंगी। आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम सब आपको वहाँ पर मेंशन हो रहा है। अभी ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आ रहा है, अगर आप चाहते हैं ये राइट हैंड कॉर्नर पे आए, वापस यहाँ जाएँ। वापस जाने के बाद आपको वापस यहाँ वाटरमार्क में जाएँ, वहाँ पर आप ये राइट अलाइनमेंट को चूज़ कर लीजिए, और फिर जब आप फ़ोटो खींचेंगे वो राइट हैंड वाले हैंड पे आपको दिखेगी। आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर राइट हैंड पे यहाँ पर आपको दिखने वाली, आप देख सकते हैं ये राइट हैंड पे आपको दिख रही है। आप इसको मीडियम बीच में भी कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, मोस्टली लेफ्ट में ही चलता है। तो मेरे आप उसको लेफ्ट में ही चलाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि लेफ्ट में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, राइट में नहीं चलता, लेफ्ट में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आप इसको लेफ्ट में ही यूज़ करें। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, वापस यहाँ जाएं वाटरमार्क पे जाएं और यहाँ से उसको ऑफ कर दीजिए, आपका वाटरमार्क यहाँ पर बंद हो चुका है। और जब आप फोटो खींचेंगे अब आपकी विदाउट वाटरमार्क यहाँ पर फोटो क्लिक होगी। तो इस तरीके से आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे लगा यार इंपॉर्टेंट है, बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।